गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर मैथ्स क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इट्स आई थिंक 7.11 है ना, बिकॉज इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.10। सो लेट्स स्टार्ट। सो लुक एट हियर, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, तो हम लोग उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे थे। अब उन पे अगर कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो उनको कैसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, उस बारे में हम पढ़ेंगे इस बार। तो फर्स्ट क्या, देखो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो क्या है ये, 8 whole 1/4 meter ribbon is cut from a 10 meter piece, how much ribbon is left? उसने बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 मीटर पीस एक रिबन था हमारे पास, ठीक है, उसमें से 8 whole 1/4 रिबन कट कर लिया जाता है, तो ये बताओ कि अब रिबन कितना बच जाएगा। तो क्या करना है इसमें, श्योर माइनस ही करना है, माइनस ही करोगे ना। 10 मीटर में से कुछ कपड़े आप निकाल लिए तो कितना बच जाएगा, तो जो निकाले उसको कैसे पता करोगे आप, माइनस ही करके ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका माइनस हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज 7.11 ये है ना क्वेश्चन 1, तो हम लिखेंगे टोटल रिबन इक्वल टू 10 मीटर, ये था ना। इसके बाद हो जाएगा रिबन कट इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 whole 1/4 meter, ठीक। रिबन कितना कट कर लिया गया, इतना कट लिया फ्रॉम पीस लिख सकते हो, ठीक है, पीस इतना कट कर लिया गया, ठीक। अब रिबन कितना बचा, रिबन लेफ्ट इन पीस इक्वल टू टोटल कितना था, 10 था, 10 मीटर, कितना कट कर लिया गया, 8 whole 1/4 meter, तो 10 माइनस, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 8 जा 32 32 प्लस 1 33 33 अपॉन 4, यही है ना मीटर। अब जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते थे कोई भी मेथड लगा के, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे ना। इसके तो बहुत सारे मेथड आपको बता दिए हैं हम, और बहुत प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो इसको माइनस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट जया जम्प्ड 3 whole 1/4 meter एंड मालिनी जम्प्ड 3 whole 1/8 meter, एक कोई कंपटीशन हुआ, कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें जया ने जो जम्प किया वो 3 whole 1/4 meter है और मालिनी ने जो जम्प किया वो 3 whole 1/8 meter है, ठीक। हु जम्प्ड मोर, किसने सबसे ज्यादा जम्प किया, एंड हाउ फार फ्रॉम द अदर, और कितना दूसरे से। तो इसमें भी क्या करना है आपको, माइनस कंपेयर करना है, जब कभी भी कोई भी चीज को कंपेयर किया जाता है ना, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। तो अब कंपेयर हो रहा है कि जया जो है, एक कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें जया ने इतना जम्प किया और मालिन ने इतना जम्प किया, तो बताना कि कौन सबसे ज्यादा जम्प किया है और कितना किया है। जब कितना की बात आ गई ना, कितना किया है, तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर लोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे कि कौन सा वाला बड़ा है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बता दे रहे हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
jump by Zaya equal to, sorry इसको थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर टू है ना, जंप बाय जया इक्वल टू कितना है ये, 3 whole 1/4 meter. तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 12 + 1 = 13/4 meter. ठीक, एंड ये हो जाएगा जंप बाय मालिनी इक्वल टू कितना है, 3 whole 1/8 meter. तो क्या करेंगे, 25/8 यही है ना. तो इसको हमें पहले कंपेयर करना है. तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो ये भी 8 हो जाएगा ना. तो 2 की मल्टीप्लाई के लिए क्या आ गया, 26/8. तो इसको कंपेयर कर सकते हो ये मीटर में. देखो डिनोमिनेटर जब हमारा सेम हो गया तो ये बताओ न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना. मतलब जया ने सबसे ज्यादा सबसे ऊंचा जंप किया है, ठीक है, और कितना किया है. तो क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दो. अब तो डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को माइनस कर दो, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 3 whole 1/4 liter. द कैपेसिटी ऑफ अनदर कंटेनर इज 5 whole 1/2 liter. फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द कंटेनर. एक कैपेसिटी दिया गया है कंटेनर की जो है 3 whole 1/4 liter, ठीक है, और दूसरी कंटेनर की जो कैपेसिटी दी गई है वो 5 whole 1/2 liter दी गई है. ठीक, तुमको बताना क्या है कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी. जब टोटल कैपेसिटी कहीं भी पूछेगा तो आपको इन दोनों को ऐड करना है. तो आप स्टेटमेंट लिख के इनको ऐड कर लीजिएगा. ठीक, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते नॉर्मली ना, वैसे इसको भी ऐड कर लेना. फोर्थ है कि वसु 1/3 ऑफ अ चॉकलेट बार. एक चॉकलेट बार का 1/3 पार्ट जो है वो वसु खा जाता है. तो आपको बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बार इज लेफ्ट. तो कितना फ्रैक्शन ऑफ बार बचा हुआ है, तो पूरा टोटल कितना है चॉकलेट बार, 1 है. फोर्थ वाला है ना, फोर्थ में जो टोटल चॉकलेट बार इक्वल टू 1 वसु ईट चॉकलेट बार इक्वल टू 1/3. ठीक है, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन बताना ना. तो कितना बचा हुआ है, तो चॉकलेट लेफ्ट लेफ्ट इक्वल टू क्या जाएगा, 1 - 1/3. 1 टोटल 1 था, 1 से क्या करेंगे, 1 - 1/3 को माइनस कर देंगे. जब कभी भी मैंने बताया ना, जब कभी बचने की बात होगी तो क्या करेंगे हम, पूरे वाले वैल्यू से जो जितनी वैल्यू खर्च हो गई होती है उसको माइनस कर देते हैं. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि उसको करिएगा आप लोग. आपको मैंने बता दिया, अब वो सारे वैसे सारे आप लोगों ने सॉल्यूशंस किए हुए हैं तो आप कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सुंदरम brought 5 kg rice, 4 whole 1/2 kg wheat and 1/2 kg pulses. Find the total weight of the grains he brought. Total weight आपको बताना है. सुंदरम ने 5 kg राइस खरीदा है, 4 whole 1/2 kg wheat मतलब गेहूं खरीदा है और 1/2 kg दाल खरीदी है. तो आपको ये बताना है कि टोटल जितने भी अनाज हैं उनकी टोटल वेट क्या होगी. तो टोटल पूछा है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इनको तीनों को ऐड कर देंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ऑन अ रेनी डे 1/4 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वर एब्सेंट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट. बिल्कुल जैसे आप लोग 4 and 4 को किए ना, सेम वैसे ही आपको 6 को भी करना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में दिया नहीं है कि कितने क्लास में है, तो जब नहीं पता है तो 1 करेंगे. ठीक, 1 से 1/4 को आप माइनस कर दोगे तो जो हमारा बचेगा उतने बच्चे हमारे क्या होंगे, स्कूल क्लास में प्रेजेंट होंगे.
सेम दोनों क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दिया है, ठीक है। मेथड वही हमारा रहेगा, 1 से आप 1 अपॉन 4 को माइनस कर दीजिएगा। हॉर्स का क्वेश्चन क्या है कि अकरम्स हाइट इज 1 होल 1 अपॉन 6 मीटर्स एंड द जॉनी इज 1 होल 1 अपॉन 10 मीटर्स, हु इज टॉलर एंड बाई हाउ मच। सेम बिल्कुल जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया ना कि जारा इतना जंप करती, जया इतना जंप करती है और मालिनी इतना जंप करती है तो कौन सबसे ज्यादा जंप करता है, सेम वैसे क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, उसके बाद कितना बड़ा है तो दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। एंड आई होप आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं तो बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि सोमू हैड रुपीज 25, सोमू के पास 25 रुपीज है, ही स्पेंड 15 होल 1 अपॉन 2, उसने 15 1 अपॉन 2 जो रुपीज है वो उसने खर्च कर दिए, तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, या फिर भी माइनस ही करना है, 25 से 15 होल 1 अपॉन 2 को माइनस कर दीजिएगा। अब कितने लोगों को ये लग रहा है ना कि ये कैसा पैसा है, मतलब 15 होल 1 अपॉन 2 ये तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है ना, ये देखो 15 जो है ये 15 रुपीज है, ठीक, एंड ये 1 रुपीज का हाफ है, ये किसका है, ये 1 रुपीज का हाफ है, तो 1 रुपीज का हाफ कितना होगा, 50 पैसे आएंगे, इसका मतलब है कि 15 रुपीज और ये क्या है 50 पैसे है, ठीक है। 50 पैसे को 1 अपॉन 2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक, तो 15 रुपीज 50 पैसे इतना दिया गया है, तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है, तो इसीलिए 15 होल 1 अपॉन 2 आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है कि देविका स्कोर 7 आउट ऑफ 10, देविका ने जो स्कोर किया है इन फर्स्ट टेस्ट में उसने 7 अपॉन 10 तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9 है ना, इसको कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे देविका स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है, 7 आउट ऑफ 10, मतलब 7 आउट ऑफ 10 का मतलब कि 7 उसने मार्क्स पाए कितने में से, 10 में से, ठीक। तो 7 आउट ऑफ 10 ऐसे लिखते हैं, ठीक। फिर होगा कि देविका स्कोर इन सेकेंड टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है, वो भी किसका एग्जाम था, मैथ्स का एग्जाम था, ठीक है, तो 13 आउट ऑफ 20, ये क्या जगह 13 आउट ऑफ 20। अब क्या पूछा है कि इन विच टेस्ट सी डिड सी डू बेटर, कौन से टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, ऐसा पता करने के लिए कंपेयर करने की बात बोला ना, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे, जैसे आप करते हैं यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो मतलब फर्स्ट टेस्ट में उसने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, कितना किया है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑफ द टू टेस्ट, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस मतलब माइनस ही करना है, तो 14 अपॉन 20 माइनस 13 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 13 आ जाएगा। अब 1 अपॉन 20 अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजर्ड 12 होल 2 अपॉन 3 मीटर्स, एक कपड़े की जो क्लॉथ का मेजरमेंट किया गया वो 12 होल 2 अपॉन 3 मीजर किया गया, ठीक। इफ 3 होल 1 अपॉन 4 मीटर वॉज कट फ्रॉम इट, अगर उसमें से 3 होल 1 अपॉन 4 मीटर कट कर लिया जाए तो हाउ मच वॉज लेफ्ट, तो कितना बचेगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जैसे फर्स्ट था ना सेम वैसे उसमें भी करना है। इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ क्या, टोटल जो कपड़े का मेजरमेंट है कितना है, इतना है, इसमें से हम क्या करेंगे, कितना कट कर लिया गया, इतना कट कर लिया गया, इसको माइनस कर देंगे, जो माइनस कर देंगे जो हमारा आंसर आएगा उतना कपड़े बच जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको करना है, एंड आई होप आप कर लोगे, इसको करिएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, जो नहीं आएगा पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।